दोस्तों, रंग बिरंगी तितलियाँ हम सबको पसंद है। यह एक बहुत ही खूबसूरत जीव है। इनका छोटा सा आकार और रंग बिरंगे पंख बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े लोगों को भी इनकी ओर आकर्षित करते हैं। यह एक प्रकार का कीड़ा है, लेकिन प्रकृति ने इसे इतना सुंदर बनाया है कि यह सबका मन मोह लेती है। तितली की यही खूबसूरती इन्हें सबसे सूक्ष्म जीवों में सबसे अलग बनाती है। तितली फूलों के आसपास अपना जीवन गुजारती है और उनके पराग यानी रस को चूसकर अपना पोषण करती है। यह अपने जीवन में चार अवस्थाओं से गुजरती है, जिन्हें हम लाइफ साइकिल भी कहते हैं, जिसमें एग्स, लार्वा, प्यूमा और बाद में तितली आती है। आज पूरे विश्व में तितली की 24,000 प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे सुंदर तितलियों के बारे में? अगर पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए। आज की वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। हम आज की वीडियो में आपको दुनिया के 10 सबसे सुंदर तितलियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लू मार्फो बटरफ्लाई। ब्लू मार्फो बटरफ्लाई दुनिया की सबसे बड़ी तितलियों में से एक है, जिनके पंख 5 से 6 इंच के होते हैं। यह मुख्यतः दक्षिण और मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाई जाती है। ब्लू मार्फो तितलियों के पंख चमकीले नीले रंग के होते हैं, जिन्हें काले रंग के किनारे होते हैं, जिनकी वजह से हम इन तितलियों को आसानी से पहचान सकते हैं। नर मार्फो तितलियों के पंख मादाओं की तुलना में अधिक चमकीले और सुंदर होते हैं। नीले मार्फो के पंखों के नीचे का भाग भूरे रंग का होता है, जिसमें आंखों जैसी आकृतियां बनी होती है। इन तितलियों के पंखों के पिछले हिस्से इन्हें छिपने के लिए छलावरण बनाने में भी मदद करते हैं, ताकि मेंढक, छिपकली और पक्षियों जैसे शिकारियों से यह तितलियाँ बच सके। ब्लू मार्फो तितलियाँ ज़्यादातर समय उष्णकटिबंधीय जंगलों की निचली झाड़ियों में बिताना पसंद करती है। जब इस तितली को अन्य जानवरों से खतरा होता है, तब यह तितली अपने ग्रंथियों से तेज गंध छोड़ती है। यह तितलियाँ मुख्य रूप से पेड़ों की किस्मों और सड़े हुए फल पत्तियाँ खाकर जिंदा रहती है। नंबर 9, जेब्रा लॉन्गविंग बटरफ्लाई। जेब्रा लॉन्गविंग बटरफ्लाई को 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा की आधिकारिक तितली घोषित किया गया था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह तितली में जेब्रा जैसी पट्टियों के साथ कम संकीर्ण पंख होते हैं। इनके पंखों पर काले और पीले रंग की पट्टियाँ होती है। इस तितली के नीचे के और ऊपर के पंखों का पैटर्न एक जैसा ही होता है, लेकिन इनके पंखों के नीचे हिस्से का रंग ऊपरी हिस्से के रंग की तुलना में काफ़ी हल्का होता है। इसमें से जो तितलियाँ आकर्षक होती है, वो संपूर्ण दक्षिण और मध्य अमेरिका में वितरित की जाती है। जेब्रा लॉन्गविंग तितली के पंखों की लंबाई 72 से 100 मिलीमीटर के बीच होती है। यह एकमात्र तितली है जो पराग को खिलाना पसंद करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पराग से निकले पोषक तत्व जेब्रा लॉन्गविंग के पंखों को अन्य तितली प्रजाति की तुलना में लंबे समय तक, लगभग 6 महीने तक जीवित रहने में मदद करते हैं। इन्हें ज़्यादातर पेड़ों की पत्तियाँ और अमृत पसंद है। जब यह किसी को धमकी देती है तो एक विशेष आवाज़ निकालती है। जेब्रा लॉन्गविंग तितली रात में पेड़ों के शाखाओं पर समूह बनाकर रहती है। नंबर 8, पीकॉक पैंसी बटरफ्लाई। पीकॉक पैंसी बटरफ्लाई यानी कि जूनोनिया अल्माना कंबोडिया और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली एक तितली है। यह मुख्यतः 2 अलग अलग रूपों में देखी जाती है, लेकिन उनके पंखों के नीचे के पैटर्न भिन्न होते हैं। मौसम के अनुसार इस तितली के पंखों की रचना में बदलाव आते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में इनके पंखों पर कुछ ही निशान होते हैं, तो वहीं बारिश के मौसम में इनके पंखों पर आँखों के धब्बे और रेखाएं जैसे निशान आते हैं। इस तितली की पंखों की लंबाई लगभग 2.1 से 2.4 इंच तक होती है। इस तितली को उनके पंखों पर बनी आंखों जैसी आकृतियों से जाना जाता है। पीकॉक पैंसी तितली के पंखों के ऊपरी भाग पर भूरे और पीले रंग के किनारे होते हैं। इसके पंखों पर अलग अलग कोस्टल बार और आकर्षक आइसबर्ड भी दिखाई देते हैं। पीकॉक पैंसी तितली के निचले भाग पर आंखों के निशान अधिक ऊपरे होते हैं, जो और भी आकर्षक दिखते हैं। इस तितली के अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 3 से 5 दिन का टाइम लगता है। जैसे ही मोर पैंसी अंडों से बाहर आ जाती है, तब पेड़ों की पौधियाँ उनका मुख्य भोजन बन जाती है। यह तितलियाँ मुख्य रूप से बगीचों और खुले क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। नंबर 7, 88 बटरफ्लाई। इस तितली का नाम उनके पंखों को देखकर रखा गया है, क्योंकि उनके पंखों की डिजाइन काली और सफ़ेद पट्टियों से 88 संख्या को दर्शाती है। इस तितली के पंखों का आकार
1.2 से 1.6 इंच तक होता है। यह तितलियाँ मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। 88 बटरफ्लाई ज़्यादातर इंसानों के घर के आसपास रहती है और वहाँ के कुछ समुदाय इसे सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। इस तितली के अंडे सफ़ेद होते हैं और उन पर अलग अलग डिजाइन बनी होती है। इस तितली के पंखों का ऊपरी भाग काला होता है और आगे नीले और हरे रंग की पट्टियाँ भी दिखाई देती है। नीचे से यह पंख सफ़ेद और लाल रंग के भी होते हैं, जिस पर काले रंग के निशान होते हैं। यह तितलियाँ मानव आवास, चट्टानों और खनिज समृद्ध मिट्टी पर रहना पसंद करती है। यह तितलियाँ मुख्य रूप से सड़े हुए फलों को खाती है। नंबर 6, द फैसिनेटिंग ओल बटरफ्लाई। यदि आपको ओल बटरफ्लाई को देखना है तो आपको मध्य दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको के घने वर्षावनों की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन तितलियों को बारिश पसंद है और ज़्यादातर यह वर्षावनों में ही देखने को मिलती है। कभी कभार आप इन्हें केले के बागों और खेतों के आसपास भी देख सकती है, क्योंकि वे ऐसे स्थानों में अपने अंडे देना पसंद करती है। यह एक छोटा सा जीव है। यह तितली अपने पंखों पर बने विशाल आंखों जैसी आकृतियों के लिए जानी जाती है। इस तितली में बड़े तितलियों के पंखों का आकार 13 से 16 सेंटीमीटर के बीच होता है। इनके पंखों पर बना आंखों का पैटर्न कई शिकारी जीवों के आंखों के पैटर्न जैसा दिखाई पड़ता है, और वही पैटर्न इन्हें कई शिकारियों जैसे छिपकली, मेंढक आदि को धमकाने और उनसे बचने के लिए मदद करता है। इनका जीवन काल 125 से 150 दिन के बीच होता है। यह तितलियाँ मुख्य रूप से फलों को खाती है। उनके पंखों का आकार 20 सेंटीमीटर तक बढ़ता है और यह अमेरिका की सबसे बड़ी तितलियों में से एक है। नंबर 5, शिल्पिना एंगर बटरफ्लाई। शिल्पिना एंगर बटरफ्लाई मुख्यतः इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया में पाई जाती है। इनमें जो वयस्क तितलियाँ होती है वह कड़ी धूप में उड़ना पसंद करती है, लेकिन समय समय पर पत्तियों के नीचे आराम करती है। इसलिए यह उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में रहना पसंद करती है। जब आप इन्हें उड़ते हुए देखेंगे तो इस अति सुंदर तितली के पारदर्शी पंख झिलमिलाते हरे, नीले और गुलाबी रंगों को दर्शाते हैं, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनके अंडे गुलाबी रंग के होते हैं। यह तितली अपना ज़्यादातर समय पेड़ की पत्तियों की छाया में गुजारना पसंद करती है। शिल्पिना एंगल बटरफ्लाई का वैज्ञानिक नाम उरिनी शिल्पिना है। इस तितली में नीले आंतरिक पंखों और बाहरी पंखों पर काले रंग की रेखाएं होती है। ऐसा पाया गया है कि वसंत के ऋतु में फूलों का पता लगाते लगाते यह तितली 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नंबर 4, अपोलो बटरफ्लाई। अपोलो तितली को उनके आकर्षक सफ़ेद शरीर से आसानी से पहचाना जा सकता है। इनके पंखों पर भी आंखों जैसी आकृतियाँ बनी होती है। अपोलो तितली के पंखों के मध्य में कई काले रंग की आंखें जैसी दिखने वाली आकृतियाँ बनी होती है, और ऊपर के बाजू में 4 धब्बों से उनके पंख सजे हुए होते हैं। यह तितलियाँ इटली, स्पेन, फ्रांस के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। अपोलो तितली के पंखों पर लाल धब्बों का आकार और चमक उनके जगह या स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। अपोलो तितलियाँ रूप में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों में से सबसे खतरनाक प्रजाति होती है। इस तितलियों को उनकी सुंदरता के अलावा उनकी रक्षात्मक रणनीतियों के लिए जाना जाता है। यह तितली अपने शिकारियों को धमकाने के लिए एक दुर्गंध पैदा करती है। इस तितली में नर तितली का पंख 62 से 86 मिलीमीटर यानी कि 2.4 से 3.4 इंच का होता है। नंबर 3, ग्लासविंग बटरफ्लाई। ग्लासविंग बटरफ्लाई के नाम से ही पता चलता है कि इसके पंख पारदर्शी होते हैं। इन्हें दूसरे नाम पीटा ऑटो से भी जाना जाता है। यह बटरफ्लाई मुख्यतः मेक्सिको और कोलंबिया में पाई जाती है। इनके पारदर्शी पंख पक्षी और बाकी शिकारियों जैसे जीवों को इन्हें पकड़ना मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में उनके पंखों पर बना लाल भूरा रंग ही उन्हें दिखाई देता है। वे मुख्य रूप से लाइटेना नामक सामान्य फूल पर भोजन करती है। पारदर्शी पंखों की वजह से तितली को स्पेनिश भाषाओं के क्षेत्र में एस्पिजितास कहते हैं, जिसका अर्थ छोटा दर्पण होता है। इस तितली की सबसे बड़ी खासियत उनके पंख है, जो कि काफ़ी नाजुक दिखाई देते हैं। लेकिन मगर यही तितली अपने वजन का 40 गुना तक भार आसानी से उठाने में सक्षम होती है। यह तितली अपने अंडे आमतौर पर जीनस सेस्ट्रम के पौधों पर रखती है। ग्लासविंग तितली के कैटरपिलर का शरीर चमकीले बैंगनी और हरे रंग का होता है। इस पर लाल रंग की धारियां होती है। नंबर 2, इमराल्ड स्वालोटेल।
इमरान स्वॉर्टेल, जिसे हिंदी में पन्ना स्वॉर्टेल भी कहते हैं। यह स्वॉर्टेल तितलियों के परिवार का एक सदस्य है। दुनिया में स्वॉर्टेल तितलियों की 550 विभिन्न प्रजातियां मौजूद है। इमराड यानी कि पन्ना तितली भी दुनिया की सबसे बड़ी और रंगीन तितलियों में से एक है। यह मुख्य रूप से दक्षिण एवं पूर्व एशिया में पाई जाती है। आकर्षक पन्ना स्वॉर्टेल में चमकीले हरे रंग के बड़े पंख होते हैं और उनके पंखों पर नीले और पीले रंग के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। पन्ना स्वॉर्टेल के पंखों के नीचे का भाग काले और नारंगी रंग का होता है। पंखों के नीचे के किनारों पर कई नीले धब्बे भी दिखाई देते हैं। इमराल्ड स्वॉर्टेल को कभी कभी बैंडेड मोर या फिर आसान शब्दों में गिरगिट भी कहा जाता है, क्योंकि यह तितली प्रकाश के कोण के आधार पर अपना रंग बदल सकती है और एक तरफ से दूसरी तरफ आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग दिखाई दे सकती है। इस तितली के ऊपर का रंग इसे शिकारियों से बचने में मदद करता है। पन्ना स्वॉर्टेल तितलियों का पंख 4 इंच यानी कि 10 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। नंबर 1, डेड लीफ बटरफ्लाई। डेड लीफ बटरफ्लाई एक अद्भुत तितली का उदाहरण है। अगर आपने इसे पहली बार देखा तो आप भी इसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि इसके पंखों का स्ट्रक्चर एक सूखे हुए पत्ते जैसा होता है, जो कि दिखने में पेड़ के गिरे हुए सूखे पत्ते जैसा ही दिखेगा। इनके पंखों का नीचे का भाग गहरे भूरे रंग का होता है। इस तितली के ऊपर के भाग को छोड़ दे तो बाकी उसके पंख नीले भूरे और सफ़ेद नारंगी सहित कई शानदार रंगों में दिखाई देते हैं। डेड लीफ बटरफ्लाई को भारतीय पत्ती वाली तितली भी कहा जाता है, जो पूरे एशिया में उष्णकटिबंधीय जंगलों के मूल निवासी है। इनके पंख और पेड़ के सूखे हुए पत्ते एक जैसे होते हैं, इसलिए उन्हें संभावित शिकारियों से छिपने में आसानी होती है। यह तितली केवल उन्हें खतरा होने पर ही हिलती है। उनकी छलावरण रणनीति उन्हें लंबे समय तक एक स्थान पर बसने में मदद करती है। इस तितली का आहार खुदों से निकला हुआ रस और पेड़ों से गिरे हुए फल होते हैं। तो दोस्तों, आज की काउंटडाउन हम यही ख़त्म करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर देना, ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।